आज हम बनाएंगे कोथिंबीर वड़ी। कोथिंबीर मतलब होता है धनिया, इससे बनाएंगे हम ये वड़ी। नमस्कार, रागवी किचन में आपका स्वागत है। आज मैं लाई हूँ आपके लिए महाराष्ट्र का प्रसिद्ध व्यंजन कोथिंबीर वड़ी। बनाने में बहुत ही आसान, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट। आइए देखते हैं हम इसे कैसे बनाएंगे। कोथिंबीर वड़ी बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है फ्रेश धनिया पत्ती। देखिए, हमने इसे दो बार अच्छे से धो लिया है। अब हम इसे बारीक बारीक काट लेंगे। अब हम इसे बारीक बारीक पीसेस में कट कर लेंगे। देखिए, ऐसे करके आपको इसे बीच से कट करना है। और इतना बारीक हमें धनिया को काट लेना है। देखिए, हमने धनिया को ऐसे बारीक काट लिया है। आएंगे बैटर। अब बना लेंगे हम बैटर। इसके लिए हमने यहाँ पे लिया है एक बोल। इसमें डालेंगे एक कप बेसन। इसमें डालेंगे आधा चम्मच हल्दी, एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच गरम मसाला। देखिए, अब हम इसमें डालेंगे दो चम्मच अदरक लहसुन और मिर्च का पेस्ट। अब हम इसमें डालेंगे आधा कप भुनी हुई पीसी हुई मूंगफली। देखिए, इसे हम इसमें डाल देंगे। स्वाद अनुसार नमक और थोड़ी सी अजवाइन हम हाथ में ऐसे ले लेंगे, क्रश करना है। देखिए, ऐसे करके और आपको इसमें डाल देना है। अब हम इसे चम्मच से अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे और पेस्ट को भी आपको अच्छे से इसमें मिक्स कर लेना है। देखिए, चम्मच से हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा पानी और डालेंगे। इसमें हम टोटल एक कप जितना पानी इसमें डालेंगे और इस पानी हम और डालेंगे। और देखिए, टोटल हमने एक कप पानी इसमें डाल दिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए, हमारा बैटर बनके तैयार हो गया है। इतना पतला हमारा बैटर होना चाहिए, देखिए ऐसे करके। ठीक है, आइए अब हम बनाएंगे कोथिंबीर वड़ी। देखिए, यहाँ पे लिया है हमने एल्युमिनियम का मोल्ड, केक बनाने वाला। आप चाहें तो इसकी जगह प्लेट भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हम लेंगे ऑयल। देखिए, हम ब्रश में लेंगे। आप चाहें तो हाथ से भी इसे ग्रीस कर सकते हैं और ऑयल से इसे हम अच्छे से चारों तरफ ग्रीस कर देंगे। देखिए, अच्छे से आपको इसे ग्रीस कर लेना है। कोथिंबीर वड़ी बनाने से पहले ये काम कर लें ताकि जब आप बैटर इसमें डालें तो वो आपको उस समय हड़बड़ाहट ना हो। ये देखिए, को अच्छे से ग्रीस कर लिया है। देखिए, हमने कढ़ाई चढ़ा दी है। अब हम इसमें डालेंगे एक चम्मच तेल और इसे थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। देखिए, तेल गर्म हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे एक चम्मच सरसों और एक चम्मच तिल। इसे थोड़ा सा तड़कने देंगे। देखिए, सरसों और तिल अच्छे से तड़क चुका है। अब हम इसमें डालेंगे धनिया पत्ती, डाल के अच्छे से एक बार बस हमें मिक्स करना है। देखिए, अच्छे से हमने मिक्स कर लिया और अब हम इसमें डालेंगे ये बैटर। और बैटर डाल के हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसे कुक कर लेना है। इसे तब तक कुक करना है जब तक ये पूरा मिक्सचर कढ़ाई ना छोड़े। इसे लो फ्लेम में रख के ही कुक करना है। देखिए, अच्छे से आपको इसे चलाते रहना है और लम्स नहीं पड़ना चाहिए। अच्छे से आपको मिक्स कर लेना है।
इसको आपको बीच बीच में ऐसे करके खरोचते भी रहना है ताकि जो बेसन है वो नीचे बैठे ना। देखिए हमारा मिक्सर अच्छे से बन के रेडी हो गया है और देखिए कढ़ाई भी छोड़ चुका है, अब होल्ड में ट्रांसफर कर देंगे और अच्छे से सेट कर लेंगे। देखिए अब हम इसे इस मोल्ड में ट्रांसफर कर देंगे और इसे अच्छे से स्प्रेड कर देंगे और इक्वली हमें स्प्रेड करना है चारों तरफ, ऐसे करके आपको अच्छे से स्प्रेड कर लेना है। देखिए हमने मोल्ड में अच्छे से मिक्सर को स्प्रेड कर दिया है, अब हम इसे 15 मिनट ऐसे ही रेस्ट करने देंगे, उसके बाद हम इसे कट कर लेंगे। देखिए 15 मिनट हो गया है, ये अच्छे से सेट हो गया है, अब हम इसे कट कर लेंगे। हम इसे स्क्वायर शेप में कट करेंगे। देखिए एक साइड से हमने कट कर लिया है, अब हम इस साइड से भी ऐसे करके कट कर लेंगे। हमारा कोथिंबीर अच्छे से सेट हो गया है, अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। देखिए कोथिंबीर फ्राई करने के लिए हमने तेल गरम कर लिया है, इसे हमने मीडियम फ्लेम में रख के ही गरम किया है और देखिए अब हम एक एक करके इसमें, एक टाइम में आपको ज़्यादा नहीं डालना है, कम डालें और उसे अच्छा गोल्डन ब्राउन होने दें। देखिए हल्का सा जब आपको लगे कि ये गोल्डन ब्राउन हो गया है हल्का सा, तो आप इसे हल्के हाथों से पलट लें। थोड़ा सा और हम इसे गोल्डन ब्राउन करेंगे, हल्का सा पलट लेंगे। देखिए इसको आप कम आंच में रख के ही फ्राई करें, एकदम परफेक्ट बनेगा, अंदर तक आपका कोथिंबीर बड़ी फ्राई होगा। देखिए हमारा कोथिंबीर बड़ी बन के तैयार हो गया है और इसका कलर देखिए कितना प्यारा आया है, मस्त सुनहरा सा। और अब हम इसे निकाल लेंगे और बाकी कोथिंबीर बड़ी को तल लेंगे। ये देखिए अब हम इसे निकाल लेंगे प्लेट पे। हमारी कोथिंबीर बड़ी बनके तैयार हो गई है, दिखने में बहुत ही सुनहरी और बहुत ही सुंदर दिख रहा है और मैं आपको इसे तोड़ के भी दिखाती हूँ। देखिए एक पीस हमने ऐसे लिया और इसे ऐसे तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए अंदर से कुछ ऐसा दिखता है हमारा कोथिंबीर बड़ी। देखिए अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।